चलिए रोवा सबके, आज हम बताओ तानी छठ पूजा के ठेकवा कैसे बनेला। नमस्कार दोस्तों, हम हैं एकता और भोजपुरिया स्वादिष्ट रसोई में रोवा सबके बहुत बहुत स्वागत करते नी। आज बहुत ही टेस्टी सा रेसिपी लेके आयल बनी छठ पूजा में चढ़ावे वाला महाप्रसाद ठेकुआ। बहुत ही पारंपरिक तरीके से बना के, जैसे हमनी के नानी दादी मम्मी बनावत रही लोग, बिल्कुल वही तरीके से बनाई जा। और बहुत ही टेस्टी प्रसाद व महाप्रसाद। तो चलिए बिना देर के लिए ये टेस्टी सा महाप्रसाद शुरू कर जाओ। तो सबसे पहले हमनी के इसकी गुड़ लेता नहीं, तो गुड़ के हमनी के पानी में भिंगा करके 10 मिनट खातिर छोड़ देवे के बाद आधा ग्लास के करीब हम पानी डालब और चम्मच से एकरा के कट करके अच्छे से थोड़ा सा एकरा के मिला करके छोड़ दी। 10 मिनट में बहुत ही अच्छा सा घोल बन करके तैयार हो जाए। तो इसकी देखी कलर एक थोड़ा थोड़ा बाहर निकले लागल, अब अच्छे से ये मिक्स हो जाए और मेल्ट होके कुछ इतरी बन जाए। तो इसकी देखी घोल हमारे तैयार हो गए, 5 से 10 मिनट के समय जाइए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा घोल बन के तैयार हो गए। अब एकरा के हम साइड में रख देता नहीं और साथ ही में आटा के हम निकले लेता नहीं जा। तो बहुत बढ़िया सा घोल तैयार हो गए। एक हम परात ले बनी और परात में हम ले लेब आटा। तो गेहूं के आटा हम इसकी लेता नहीं, छठ के ठेकुआ गेहूं के आटा से ही बनावल जाला। दरदरा पीस के चक्की में आवेला, छठ के स्पेशली आटा पीसल जाला। थोड़ा सा मोटा आटा पीस करके हमने के तैयार करे के बटे, आप चक्की में पिसवा ली या फिर आप मिक्सर में भी करा के खुद से भी पीस सके नहीं, हल्का सा भिंगा करके। तो इसकी बहुत ही बढ़िया सा आटा भी हमारे तैयार बटे एकदम। अब हम एकरा में डाल दे सौंफ। तो ज़्यादातर ठेकुआ में लोग सौंफ से ही बनावेला और एकरा अलावा बहुत सारे लोग बाड़न लो जो इलायची या ड्राई फ्रूट्स के भी यूज़ करे ला लोग। हमारा के यहाँ छठ के ठेकुआ में सिर्फ सौंफ और गुड़ के ही यूज़ होखेला और देसी घी, एकरा अलावा और कुछ भी यूज़ ना कैल जाला। तो इसकी हम डालता नहीं 2 चम्मच के करीब सौंफ डाल करके एकरा में अब हमने के डाल देब जा घी। तहज घी हम 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल देता नहीं और घी डाल करके अच्छे से मिक्स कर ली दोनों हाथों से बराबर रगड़ते हुए हमने के एकरा के मिलाव के बाद करीबन 3 से 4 मिनट बहुत ही बढ़िया से एकरा के हमने के मसल मसल के मिक्स करे के बाद। आप इसके देखिए कलर अभी कैसन बा और बहुत ही बढ़िया से जब भी मिक्स हो जाए तब एक कलर देखब कितना बढ़िया चेंज हो जाए। तो बहुत ही अच्छे से मिलाई दोनों हाथों से के बीच में रख कर तरी मसल मसल के हमने के मिला एक बार जब तक आटा में बाइंडिंग ना आ जाए। तो देखिए कितना बढ़िया बाइंडिंग आ गए, बस इतना हमने के करा के मसल के करे के बाद कि बराबर से बाइंडिंग आ जाए। आटा इसके हमने के तैयार भ गया। अब हमने के जिन गुड़ के पानी रखले रहने जा तो ओकरा में थोड़ा थोड़ा डालब और बस इतना पानी से ही पूरा आटा गूंद करके तैयार कर लेब। तो अब अच्छे से करके गूंदे के बाद बहुत गीला नहीं करके एकदम हमने के सख्त कड़क डो बना करके एक तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा गुड़ के पानी के यूज़ करे के बाद और एकरा के एक अच्छे से मसल करके दोनों हाथों से वापस से हमने के दोनों हाथ लगा करके अच्छे से मसल के तैयार करे एक बार। पहले तो एकरा के अच्छे से मिला ली और एक मोटा सा हमने के डो बना हुआ, बहुत ज़्यादा सख्त डो बना हुआ। तो इसकी आप देखिए अच्छे से मिल गए, बाइंडिंग भी बहुत बढ़िया हो गई बा। जितना हमने के चाशनी बने ली बनी जा उतना में पूरा गुड़ के चाशनी में पूरा आटा हमार गूंद के तैयार हो गए। तो इसकी देखिए कितना कड़क बा कि दोनों हाथ से भी बराबर से नेखे होकर बहुत ही बढ़िया से अच्छे से एकरा के कड़क डो बना करके तैयार कर लेवे के बाद। दो हमार तैयार हो गई। अब हमने के का करब जा एक छोटा छोटा सा बॉल बनाओ के बाद। तो साइज आप जैसन रखल चाहिए छोटा बड़ा वैसन साइज में बॉल बनाए। तो हम एकरा के मीडियम साइज पे बना करके तैयार करते नहीं छोटा छोटा सा, दोनों हाथ से आप यूज कर सके नहीं और दोनों हाथ से गोल गोल सा बनाओ जाए बहुत जल्दी जल्दी बन जाला। छोटा छोटा मीडियम साइज के डो बना ली है तरीके के, आप देखिए कितना बढ़िया गोल गोल सा हमार बन के तैयार भ गया। बस सेप बहुत बढ़िया परफेक्ट गोल नहीं बनावला के जरूरत नहीं है, बस इतनी हल्का सा सेप दे दी है एक अंडाकार या गोल, बस उतना सेप दे दी बस उतना काफ़ी बता है। आप देख सके नहीं अच्छा सा गोल बन के तैयार भ गया। बस इस तरीके से सारा हमने के जितना डो बटे सारा के हमने के गोल बना करके तैयार कर लेवे के बाद। अब हमने के एकरा के बनावे खातिर साँचा के यूज़ करब जा, जेकरा के हमने के गाँव देहात में बोलल जाला अगरोटा। हमने के यहाँ तेकरा के अगरोटा कहल जाला, आप सबके यहाँ पे का कहल जाला कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब हमने के इसकी एकरा के अगरोटा पे बेल करके तैयार कर लेते नहीं जा एक अच्छा सा डिज़ाइन डाल के। तो इसकी हम ले बनी अगरोटा, देखिए लकड़ी के बनल रहेला डिज़ाइन बा, आगे साइड में डिज़ाइन बा, पीछे साइड प्लेन बा, अगर आप चाहें तो प्लेन भी बना सके नहीं। तो चलिए अब देखा था नहीं जा कैसे बना के बा एकरा के। तो इसकी हम चकला ले बनी एकरा ऊपर हम रख देते नहीं अगरोटा के और अब हम एकरा पे घी लगा दे। तो घी लगाई थोड़ा सा 1-2 चम्मच घी ले ली हैं और एकरा में चारों तरफ से आप बराबर से घी लगा दी हैं, जोन डिज़ाइन आपके पसंद बा जोन आप बनावल चाहते नहीं ओकरा पे घी लगा दी। और फिर आप एकरा पे एक बॉल लेकर के लोई लेकर के एकरा ऊपर रख दी और बस हल्के हाथ से एकरा के प्रेस कर ली। तो इसकी आप देखिए हल्के हाथ से प्रेस कर लेनी, बहुत
ज़्यादा दबाव करने के, नहीं तो ज़्यादा दबी तो फिर बहुत ज़्यादा बैठ जाए और टूट जाए। तो बस हल्का सा एकरा के प्रेस कर लिए और हल्के हाथ से एकरा के आप निकाल लिए। तो इसकी आप देख सके नहीं कितना परफेक्ट एक ठेकुआ बन के हमारे तैयार भ गया, कितना सुंदर डिज़ाइन भी आ गए बटे। यही तरी से आप पूरा डिज़ाइन बना ली ही, अब पीछे के साइड प्लेन रही अगर चाहिए तो दोनों साइड से आप डिज़ाइन बना सके नहीं। हम अब चलिए नीचे वाला हम बना करके तैयार करते नहीं, तो नीचे वाला खाती हम लोहिया के थोड़ा सा अंडाकार में बना देनी है, अब फिर एक के ऊपर रख देता नहीं। तो इसकी देखिए पान के पत्ते के शेप में बहुत ही बढ़िया सा बन गई हो, एक डिज़ाइन बन गई बा। अब हम आगे और पीछे दोनों साइड डिज़ाइन बना के आप सबके दिखाओ तनी। तो इसकी वापस से एक में थोड़ा सा घी लगा ली, 2 से 3 बार यूज़ कर के बाद आपके एक में वापस से घी लगा बा, नहीं तो फिर चिपक जाए तो हमने के ठेकुआ एक पे टूट जाए। बस एक के रख करके पेड़ा एक लेके दूसरा वाला जो हमने के सांचा रख ले बने जा तौन उल्टा करके एक साइड से हमने के दबा देव जाते। इसकी आप देखें जोना साइड से घी लगे ले बनी तोना साइड से ऊपर से हल्का सा बस प्रेस करे के बाद और बहुत ही बढ़िया सा सेप बन जाए। तो हल्का सा प्रेस करी और आपको दिखाओ तो नहीं, इसकी देखिए हम एक हटा तो नहीं कितना बढ़िया दोनों साइड से डिज़ाइन बन करके तैयार भ गल बा। तो इसकी आप देखिए आगे से भी इसके पान के पत्ते के शेप में बनल बा और पीछे से पूरा फूल जैसे निकले आ, देखिए कितना बढ़िया दोनों साइड से डिज़ाइन बन गया। बस यही तरी से सारा ठेकुआ हमने के बना लेवे के बाद आप चाहें तो बिल्कुल सादा वाला भी बना सके नहीं, कितना लोग बड़न लो जरा घर में सादा ही बनावल जला। तो जैसन आप सबके पसंद बा आप लोग के घर में बनेला आप वैसन बनाई और बहुत ही मतलब एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है। हमारे घर में तो यही तरी बनेला, हमारे दादी नानी मम्मी हमेशा ऐसे ही ठेकुआ बनेले बड़ी लोग। तो वही तरी से हम आप सबके बताओ तनी, अब बस यही तरी हम सारा ठेकुआ के तैयार कर लेते नहीं। अब हम इसकी एक कढ़ाई लेते नहीं, लोहा की कढ़ाई के यूज़ करते नहीं या तो मिट्टी के कढ़ाई के आप यूज़ कर सके नहीं। तो इसकी हम 2 से 3 बड़ा चम्मच घी डाल देते नहीं और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब आप एकरा में ठेकुआ ऐड करी। गैस के फ्लेम एकदम स्लो पर रखे के बाद और तब एकरा के हमने के फ्राई करब जा। बहुत थोड़ा सा टाइम लगेला लेकिन बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सा ठेकुआ बनेला। तो अब देखिए बहुत ही बढ़िया से कढ़ाई भी गर्म भ गेल बटे। तो अब हम स्लो फ्लेम करके एकरा पे ठेकुआ डालते नहीं, तो जितना आपके एक बार में आई 3, 4, 5 जितना आप डाल सके नहीं, जितना बड़ा आप एकरा में घी के यूज़ करें। अगर आप नॉर्मली खाए खाती बनाओ तो एकरा के तेल से भी बना सके नहीं और बिल्कुल यही तरीके से आप चीनी के यूज करके तेल से बनाई और एकरा के 15 से 20 दिन आराम से आप यूज कर सके नहीं, खा सके नहीं, बच्चन के आप टिफिन में भी दे सके नहीं। दोनों साइड से अब हमने के बराबर से एकरा के अलट पलट करके फ्राई करे के बाद तो आप देखिए कितना बढ़िया भी कलर आ गया बा। देसी घी के ठेकुआ छठ के प्रसाद बहुत ही मतलब एकदम यूपी बिहार के ये महाप्रसाद कहल जला, बहुत ही टेस्टी सा ये रेसिपी भी बटे, आप ऐसे भी बना के खा सके नहीं। बस अच्छे से जब सिका जाए तो आप दोनों साइड से एकरा के तल कर निकाल लिया, दूसरा बैच के ऐड करी। करीबन एक बैच के फ्राई होके में 3 से 4 मिनट के समय लगेला और बहुत ही बढ़िया सा एक कलर आवे तक फ्राई करे के बाद इसकी देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया बा। बस अब यही तरी सारा ठेकुआ के फ्राई कर लेवे के बाद अब एक हम निकाल देते नहीं, देखिए बहुत ही बढ़िया सा एक भी कलर आ गया बा। गांव में तो एक के लकड़ी के चूल्हा पे या मिट्टी के चूल्हा बना करके बनावल जला बट इजगी तो हमने के गैस पर ही बना के एक के तैयार कर लेने जाते। इजगी हम वो तरी आप सबके दिखाओ तनी और बस अब देखिए कितना बढ़िया पाक गई बा, एकदम स्लो फ्लेम पर बिना हड़बड़ाए अच्छे से एक के पकाई और हमारे इजगी छठ के महाप्रसाद तैयार बटे। और ठंगन कहीं ठेकुआ कहीं बहुत ही बढ़िया सा और बहुत ही टेस्टी सा ये मतलब प्रसाद लगेला। आप सब जरूर ट्राई करब जो, अगर रेसिपी अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करब जा और अगर फेसबुक पे बनी तो हमारे पेज के फॉलो करी और बहुत ही टेस्टी सा इसकी हमारे ठेकुआ के प्रसाद बन के तैयार भगल बा। आप सब जरूर ट्राई करब और कमेंट जरूर करी कि आप सबको कैसा लगला। फिर मिलते नहीं एक नया रेसिपी के साथ, तब तक अपन बहुत बहुत ध्यान रखब। जय छठी मैया।